हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एमए सोशियोलॉजी, एमए के सोशियोलॉजी का सेमेस्टर सिस्टम यानी सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट बुक है यानी विकास का समाजशास्त्र। इसका कोड जो है SOCR 413। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है एमए के बच्चों के लिए। इसमें हम हर एक पहलू पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू को। चलिए देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। अगला जो हमारे समक्ष क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए आया है वो है धर्म, विज्ञान और आपसी संबंध पर चर्चा करेंगे और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध कैसे हैं इस बात पे भी जो हम एनालाइज करेंगे और सभी जो है थिंकर्स की बातें भी करेंगे जिन्होंने अपनी सिद्धांत जो दिया है धर्म और विज्ञान के ऊपर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है, धर्म विज्ञान की आपसी संबंध क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, यानी रिलेशन बिटवीन टू रिलीजन एंड साइंस। तो इस पर हमने जो है इनके दोनों के जो है अपोज टू द ईच अदर क्यों है, तो इस बात पे जो है हमने विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा करना है। प्रथम यहाँ पर हम बात करें धर्म और विज्ञान की, तो कहते हैं यह प्रश्न कि क्या धर्म विज्ञान के अनुकूल है। धर्म विज्ञान के अनुकूल है, 19वीं सदी में वाद विवाद का प्रमुख विषय यही रहा है। 19वीं सदी में देखा जाए तो वाद विवाद का प्रमुख विषय रहा यही है, क्या धर्म विज्ञान के अनुकूल है। कुछ विचारकों की राय है कि धर्म और विज्ञान में कोई मेल नहीं है, यानी धर्म और विज्ञान दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं। लेकिन देखा जाए जिस प्रकार विज्ञान सत्य पर आधारित होती है, धर्म भी सत्य पर आधारित होती है। तो कहते हैं धर्म विज्ञान कई हमारे में अनुकूल भी है तो कई हद तक प्रतिकूल भी हैं। अब देखा जाए बहुत से विचारक ने जो है अपने विचार के अंतर्गत धर्म और विज्ञान ने कोई मेल नहीं बताई है। देखा जाए अगर हम पहले यहाँ पर थिंकर्स की बात करें तो हैरी एल्मर्स ब्रेउमैन ने कहा है कि चाहे सिद्धांतवादी धर्म या आधुनिकता में निरंतर तथा न खत्म हो सकने वाली संघर्ष मौजूद है। जनरल सी बात है, धर्म और आधुनिकता में न खत्म होने वाले जो संघर्ष सदैव मौजूद रहेगी और इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी आधुनिक विज्ञान तथा मानवतावाद में आपस में कोई विरोध या टकराव नहीं देखने को मिलता है, यानी फिर भी आधुनिक विज्ञान और मानवतावाद में आपस में कोई विरोध या टकराव देखने को नहीं मिलता है। ये सिर्फ लोगों के विचार के अंतर्गत ही इसमें जो है टकराव देखने को मिलता है। मानवतावाद स्पष्ट रूप से अपने धर्म विज्ञान पर खोजों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित करते हैं। जनरल सी बात है, मानवतावाद स्पष्ट रूप से जो है धर्म को विज्ञान पर खोजों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित होती है, यानी धर्म में हम जो तथ्यों को खोजे हैं वो विज्ञान में जो है उसको हम तथ्य जो है सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, यानी धर्म पे जो खोज बात हुई है उसको विज्ञान कसौटी पर रखने की कोशिश करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर हम आगे साइंटिस्टों की बात करें, थिंकर्स की बात करें, तो नीरोस डी वाइट का कथन है कि विज्ञान तथा धर्म में जो संघर्ष प्रतीत होता है वो वास्तव में विज्ञान तथा धर्म की बजाय विज्ञान तथा अंधविश्वास के बीच है। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण उन्होंने बात बताया कि जो संघर्ष हमें देखने को मिलता है वास्तव में धर्म में नहीं है और न विज्ञान में है। कहते हैं विज्ञान और अंधविश्वास, विज्ञान जो है अंधविश्वास की जो है पट्टी को खोल देती है और धर्म जो है कहते धर्म भी विज्ञान की तरह ही व्याख्या की जाती है। जो सही है वो सही है, वो विज्ञान में भी सही है और धर्म में भी सही है, क्योंकि धर्म कभी भी गलत बातों का अनुसरण नहीं करती है। और यहाँ पर अगर दोनों के बीच जो लोगों ने तथ्य दी है वो सिर्फ अंधविश्वास के बीच होती है। विज्ञान हमेशा अंधविश्वास के ऑपोजिट है। अंधविश्वास में जिस तथ्य को सही सिद्ध की जाती है विज्ञान उसी चीज़ को जो है गलत सिद्ध कर देता है। लेकिन धर्म से यहाँ पर विज्ञान का कोई संघर्ष नहीं है, क्योंकि हमने दो जो है थिंकर्स की बात की साफ शब्दों में बात हुई भी और समझ में भी आया कि विज्ञान और धर्म में कोई भी जो है प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है। यहाँ पर है भी तो विज्ञान और अंधविश्वास में है और लोगों के बीच जो विचारधारा होती है उसमें है। इसी के अगर अगले हम थिंकर्स की बात करें तो लेकिन बेरेज ने के मत अनुसार ये बात साफ कर दिया था जिन्होंने कि उन्हें मानने योग्य नहीं है, यह बात मानने योग्य नहीं है क्योंकि अंधविश्वास धर्म का ही एक अंग
अंक है। अब देखिए, कहते हैं सभी थिंकनरों की अपनी अपनी विचारधारा है। इनका विश्वास था कि अंधविश्वास धर्म का ही अंक यानी धर्म जो है अंधविश्वास को ही जन्म दिया है। अब सबकी अपनी विचारधारा है। कहते हैं धर्म तो हमने पढ़ा जाना समझा कि धर्म जो है सदैव सत्य पर आधारित होती है। कहते हैं इसमें दूर दूर तक जो है झूठ का कोई भी स्थान धर्म में नहीं है। और अंधविश्वास जो है झूठ गलत रीतियों गलत रिवाजों को जो है प्रोत्साहित करती है। तो धर्म जो है अंधविश्वास के साथ कैसे हो सकती है? और धर्म दर्शन विज्ञान के बीच होने वाली कोई भी संघर्ष निश्चित ही विज्ञान और धर्म के बीच विरोध है। देखिए, वेरेज ने अपने शब्दों में बात बताई क्योंकि उनकी अपनी सोच थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम एनालाइज करें तो अंधविश्वास का धर्म के साथ कोई संबंध भी नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म तो हमें सत्य पर चलना सिखाती है और अंधविश्वास हमेशा ही इसकी ऑपोजिट चलती है। यानी एक सच है तो एक झूठ है। अगर धर्म सच है तो अंधविश्वास एक झूठ है, तो दोनों कैसे एक अंक हो सकते हैं? ये बात को जो है त्रिपाण श्री सेंटर खंडित करता है और कहते हैं धर्म दर्शन विज्ञान के बीच होने वाली कोई भी संघर्ष निश्चय विज्ञान तथा धर्म के बीच विरोध करता है। कहते हैं धर्म दर्शन विज्ञान सबकी अपनी अपनी कसौटी होती है, अपनी अपनी जो होती विचारधारा होती है। अगर आगे हम बात करें दूसरी तरफ, सी एफ जोर ने लिखते हैं कि मैंने इन सही बातों को ही सिद्ध करने की कोशिश की है कि विज्ञान और धर्म के बीच कोई विरोध नहीं है। लेकिन उन्होंने बहुत साफ शब्दों में इस बात का जो है अनुसरण किया कि धर्म और विज्ञान के बीच कोई विरोध नहीं है, जो त्रिपाण श्री सेंटर भी इस बात को मानता है। मनुष्य जो है सृष्टि की दो विभिन्न विभिन्न व्यवस्थाओं का सदस्य है। मनुष्य देखा जाए तो दो विभिन्न विभिन्न व्यवस्थाओं का सदस्य है। विज्ञान इन दोनों में से एक पर ही विचार करता है तथा इस पर एक दूसरे के इतना अच्छी तरह अलग किया जाता है तथा उस पर विचार किया जाता है जैसे वही सब कुछ हो, अपने आप में परिपूर्ण है। विज्ञान जो है अपने आप में परिपूर्ण है और धर्म भी अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि धर्म किसी भी धर्म में अंधविश्वास को जो है रोटी नहीं दी जाती। हर धर्म में जो है अच्छे बातों का ही अनुसरण किया जाता है और सब सत्य पर आधारित होती है। और विज्ञान भी तो सत्य को ही जो है तवज्जा देती है। विज्ञान इसका कोई भी लेखा जोखा नहीं दे सकता, इसका कोई भी लेखा जोखा देना संभव नहीं है। अगर यही सच है तो इस बात का कोई कारण भी प्रतीत होती है। तो कहते हैं बहुत बात ऐसी है जिसको जो है सार्थक सिद्ध करना संभव नहीं है। लेकिन बात अगर हम करें धर्म और विज्ञान में तो देखा जाए तो धर्म विज्ञान में जो है एक ही बात का अनुसरण करता है, क्योंकि दोनों ही सत्य पर आधारित होती है। यहाँ पर अगर कोई गलत सिद्ध करने की कोशिश करता है तो वो है अंधविश्वास। इन सब बातों के निष्कर्ष को यह स्वीकार करना बहुत ही संभव है कि प्राकृतिक व्यवस्था का जिसमें अलौकिक तथा अप्राकृतिक के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। यानी इस बात को आप स्वीकार आपको करना पड़ेगा कि कहते हैं धर्म और विज्ञान में अलौकिक तथा जो है अप्राकृतिक के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहता। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। धर्म इंसानों ने बनाया है, इंसान अपनी आवश्यकताओं के लिए धर्म को बनाया है, और विज्ञान भी इंसानों ने अपने लिए बनाया है जो सत्य पर आधारित होती है। तो जनरल सी बात, इसमें अलौकिक तथा अप्राकृतिक चीज़ों कोई भी गुंजाइश यहाँ नहीं है, कोई असंतोष व्यवहार नहीं दिया जा सकता। यानी इन बातों पर जो है कोई भी असंतोषजनक व्यवहार देना संभव नहीं है। और धार्मिक दार्शनिक ने उन चीज़ों के बारे में कुछ विचार दिए हैं जिनके बारे में उन्होंने कुछ जानना नहीं था, यानी जिनके बारे में उन्हें जानना नहीं था उनके बारे में उन्होंने कोई शब्दों का यहाँ पर जो है उच्चारण नहीं किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अक्सर ये देखा गया है कि विज्ञान ने इन विचारों को पुष्टि ही की है, और बहुत कम ऐसा हुआ है कि जब विज्ञान ने विचारों के विपरीत निष्कर्ष निकाले हों। कभी भी विज्ञान जो है विपरीत प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत नहीं चलती है। विज्ञान सदैव सत्य पर आधारित होती है और धर्म भी सत्य पर आधारित होती है। वास्तव में यह बात समझ सकना ही कठिन है कि विज्ञान धर्म का कुछ विरोध कर भी सकता है। तो जनरल सी बात है, कोई भी हम अगर चीज़ उठाएं, कोई भी अगर विचारधारा उठाएं, अगर एक इसका पॉजिटिव तो नेगेटिव ज़रूर होता है। सबके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ा होना स्वाभाविक बात है। विज्ञान में भी कुछ नेगेटिव बातें होती हैं तो धर्म में भी कुछ नेगेटिव बातें होती हैं। कहते हैं कोई भी विचारधारा हो इसके दो पहलू ज़रूर होती है। विज्ञान का विषय सारी सृष्टि के लिए भौतिक पहलू का अध्ययन कराता है। विज्ञान जो है विषय सारी दृष्टि
सृष्टि के भौतिक पहलुओं का अध्ययन कराता है, लेकिन धर्म के विषय जो है ईश्वर और प्राकृतिक तथा अलौकिक जीवन है। जर्नल सी बात है, देखिए धर्म का मतलब यही होता है कि आपको जो है ईश्वर पर विश्वास करना सिखाता है, अप्राकृतिक चीज़ पर विश्वास करना सिखाता है, अलौकिक चीज़ों को जो है जीना सिखाता है। लेकिन इसका सिर्फ हमारा आधार ये होता है कि हम उन चीज़ों को माने, और इससे हमें एक हौसला मिलती है, एक ताकत मिलती है। क्योंकि आपको पता है जब आप निराश हो जाते हो तो आपको कोई सहारा देने वाला नहीं होता है, तो कहते हैं हम ईश्वर पर सब छोड़ देते हैं। तो कहते हैं धर्म जो होती है हमें सिर्फ बुरे अवस्थाओं में से निकलना सिखाती है। और विज्ञान भी इसी बात को तर्क देता है। विज्ञान में जो चीज़ जो है उसी को जो है प्रोटी देता है, जो नहीं है उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। और निसंदेह विज्ञान अधिक से अधिक यथार्थ के रूपों और पहलुओं का अध्ययन करा रहा है तथा तारे चांद और दूसरे ग्रहों के बारे में जानने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन न तो यह सब समस्याओं को सुलझा ही सका है और न इसे मानव की आशा ही है। क्योंकि आपको पता है अगर धर्म के अंतर अगर देखा जाए तो हम चंद्र को क्या समझते हैं, सूर्य को हम क्या यहाँ पर धर्म के अंतर्गत कहते हैं। लेकिन अगर साइंस के विचार करें तो आज आपको पता ही है कि इंसान चांद पे भी जा चुका है और सूरज का भी अध्ययन कर रहा है। तो जर्नल सी बात है, इन दोनों में जो है तालमेल बैठाना संभव नहीं है। धर्म इंसान ने अपनी जो है आवश्यकताओं के लिए बनाई, अपनी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए बनाई। क्योंकि कहते हैं ना कोई चीज़ अच्छा हो तो होना चाहिए जो आपको जो है समय पे दिलासा दे सके, आपको सही मार्गदर्शन कर सके। और धर्म भी यही काम करता है। धर्म का मतलब होता है सिर्फ आपको अच्छी अनुसरण कराते हैं। जब आप मुसीबत में होते हो तो धर्म के रिगार्डिंग अपने आप को संतुष्टि दे सकती हो, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन ना तो यह सब समस्याओं को सुलझा सका है आज तक, और ना ही उसमें मानव की आशा रही है। विज्ञान के क्षेत्र में चाहे हम कितनी भी प्रगति कर ले, धर्म के बिना हमारा गुजारा नहीं चल सकता। बात सही है, इंसान कितने भी जो है चरम सीमा पर क्यों ना पहुंच जाए, चांद पे क्यों नहीं पहुंच जाए, सूरज पे क्यों नहीं अपने जाने की कोशिश करे, लेकिन जर्नल सी बात है धर्म के बिना हमारा गुजारा नहीं चल सकता। क्योंकि धर्म जो है हमें अच्छे राह दिखाता है। आपने देखा ही होगा गीता बाइबल कुरान सब में अच्छी बातों का अनुसरण की गई है, कहीं भी कोई गलत बातों का अनुसरण नहीं किया गया है। अनुसरण तो वो लोग गलत करते हैं जिनको इनके बारे में अर्थ ही पता नहीं होता, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो लोग मतलब कुछ और निकाल देते हैं। अगर देखा जाए तो ये महान ग्रंथों को अगर हम अध्ययन करें समझे तो सब में एक जैसे ही बातों का अनुसरण की गई है, और सब ने जो है सच को ही सराहा है। और देखा जाए तो साइंस भी सत्य पे ही आधारित होती है। तो आप समझ गए होंगे कि विज्ञान और धर्म सिर्फ जो है सत्य को ही तरफ अनुसरण करता है, लेकिन हम धर्म के बिना रहना हमारा ये संभव नहीं है। तो मैं इतना ही कहता हूँ, धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसके अच्छे बातों का अनुसरण कीजिए, और अपने जीवन में कभी धर्म के प्रति जो है एक दूसरे के प्रति कठोरता या करवापन ना घोलिए, जो एक दूसरे के लोग जो है वो नुकसान पहुँचाने के लिए अतुल्य हो जाए। तो ये धर्म काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताती है। आगे अगर हम विचारधारा देखें अगवंश और निकोफ की, तो इन्होंने लिखा है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण लिखा है। इन्होंने कहा कि ऐसे लोग भी हैं जो यह समझते हैं कि धर्म के बिना भी हम रह सकते हैं, लेकिन वे धार्मिक अनुभव के मूल्य महत्व को जो है अनुमान नहीं लगाते हैं, उसका विचार ही नहीं करते हैं। समय समय अनुसार इसकी एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति को जो बजाय अधिक आवश्यकता होती ही होती है। आधुनिक जीवन में भाग दौड़ अधिक है और हमारी अस्पताल मानसिक रोगियों से भरे होते हैं, क्योंकि ऐसे विचारधारा वाले जो होते हैं मानसिक तौर से ग्रसित होते हैं और यह आम होती है। संभव है कि इसका एक कारण यह है कि जीवन में जहाँ तनाव अधिक होती है वहाँ जो है धर्म हमारी उचित सहायता करने में असफल तथा असमर्थ रहती है। तो जनरल सी बात है, जिन व्यक्तियों के जो है मन में तनाव अधिक रहती है, जो मानसिक रोगी होते हैं, वहाँ पर धर्म जो है असफल और असमर्थ रहती है। कारण ये भी है, देखिए यहाँ पर साइंस भी फेल हो जाती है, क्योंकि जहाँ धर्म फेल हो रही है वहाँ साइंस भी फेल होती है। कि मानसिक रोगियों को आप कोई भी जो है सही बात का अनुसरण करा नहीं सकते, चाहे साइंस के अंतर्गत चाहे धर्म के अंतर्गत। और जो व्यक्ति तनाव से पुण्य रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उनको ना तो धर्म की बातें अच्छी लगती है और ना ही उनको साइंस की बातें अच्छी लगती है। तो यहाँ पर दोनों व्यक्ति जो है विभाग फेल है। अगर बदकिस्मती
बदकिस्मती में धार्मिक जो है विश्वास आमतौर पर किसी मत या संप्रदाय से संगलित होती है तथा नए विज्ञान के कारण उस संप्रदाय विषय के अंदर पर इस विश्वास को जो है चोट लग जाने का मतलब ये होता है कि अनेक लोगों के विश्वास तथा भावना भी चोट लगती है। आपने देखा ही होगा जब कोई भी बाबा गलत सिद्ध हो जाते हैं धर्म के अंतर्गत तो आम व्यक्तियों को उसका चोट पहुंचता है। लेकिन बात इतनी सी बात है, आप जो बड़े बड़े बाबा जब होते हैं उनकी बातों का, उनकी अच्छे विचारों का अनुसरण कीजिए, उसको धर्म न बनाइए। वो जो बात कहते हैं उनको बातों का अनुसरण कीजिए, उनकी बातों का जो है एनालाइज कीजिए। अगर अच्छी बातें हैं तो उनको ग्रहण कीजिए और बुरी बात है तो उनको ग्रहण नहीं कीजिए, क्योंकि ये भी एक इंसान होते हैं। इनकी बातें कहते हैं या तो इनके राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत होता है या अपने जो है स्वार्थ की सिद्धि होती है। तो ऐसे लोग जो है लोगों को गलत रास्तों पर भी ले जाना सिखा देते हैं और लोग जो हैं वो एक अफीम की तरह जीवन जीने लग जाते हैं, जैसे एक आदी हो जाते हैं उन चीज़ों के। उन लोगों को यह समझ नहीं आती है कि धार्मिक अनुभव विश्वास से आज़ाद होते हैं, क्योंकि धार्मिक अनुभव जो होता है हर विश्वासों से आज़ाद होती है, वो किसी कटघरे में नहीं रहती है। इसलिए उनको अपने विश्वास को नए ज्ञान के प्रकाश देकर समझाना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ, त्रिपाण सर हमेशा कहता है कि कभी भी किसी की बातों का सुनिए समझिए, लेकिन अपने मस्तिष्क से एनालाइज कीजिए, ज्ञान के प्रकाश से टटोलिए मोड़िए, तब जाके विश्वास कीजिए। नहीं तो आपको अगर अंधविश्वास में फंसा के और आपके साथ बुरा करने वाले लोगों की कमी नहीं है, हर एक कदम पे जो है दुश्मन भरे पड़े हैं। वो कभी धर्म के नाम पे आपको उसलेंगे, कभी धर्म के नाम को डराएंगे आपसे, और कभी आपको जो है धर्म के नाम पे चाकू दिखाएंगे, और कभी धर्म के नाम पे एक दूसरे पे खून खराबा करवाएंगे। तो ऐसे लोगों का जो है कभी अनुसरण नहीं कीजिए। ये लोग ना तो धर्म को मानते हैं और न ही धार्मिक होते हैं। इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि इनका सिक्का जो है चल जाए और इनका जो है जो पोजीशन प्राप्त करना चाहते हैं वो उनको मिल जाए। इसलिए त्रिपाण सेंटर हमेशा इसी बात पर ध्यान देता है और हमेशा आपको कहता है कि कभी भी अधूरा जानकारी मत रखिए। अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। कोई भी बात को जो है अधूरा ना सुनिए, ना अधूरा रखिए, चाहे वो बाबा की बात हो चाहे साइंस की बात हो। सभी बातों को अच्छे से अनुसरण कीजिए, सोचिए विचारिए और फिर उसका एनालाइज कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि कभी कभी ज्ञान के प्रकाश दिखाने वाले भी गलत होते हैं। इसलिए आप स्वयं ही इस बात को जो है अनुभव कर सकते हो। चर्च तथा धार्मिक संस्थाएँ भी अपने परोपकार के नए तथ्य तथा बदलते हुए दृष्टिकोण के अनुसार न ढल सकने के कारण प्रसिद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। यदि धर्म आत्मा की शांति प्रदान करता है, धर्म जो होता है सिर्फ हमें आत्मा की शांति प्रदान करता है, मन को शांत करता है, यदि आत्मा का असीम प्रसार करता है और जीवन के रहने सहने योग्य बनाता है तथा अच्छे उद्देश्य के लिए प्रेरित करता है, तो निश्चय ही विज्ञान प्रगति की धर्म की आवश्यकता है। निश्चय ही बात है, प्रगति विज्ञान प्रगति को धर्म की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, क्योंकि धर्म और विज्ञान जो है एक ही है। क्योंकि धर्म भी सत्य बात को ऊपर आधारित होती है और धर्म भी सत्य बात पर आधारित होती है। जहाँ भी आपको झूठ का एक शब्द भी लगे, समझ जाइए कि वहाँ पर धर्म नहीं है, वहाँ पर अधर्म लोगों की जो है बोलबाला है। धर्म को प्रकाश वाली अंतर्दृष्टि के बराबर समझना चाहिए। धर्म में प्रकाश वाली अंतर्दृष्टि, जिसको दृष्टि से हम देख नहीं सकते, जो विज्ञान के जीवन रहित क्षेत्रों की पूर्ति तथा उसके ठीक करने के लिए अनिवार्य होता है। धर्म तथा विज्ञान में विरोध होते हुए भी जो कोई मानव के स्वभाव तथा जगत को पूरी तरह समझना चाहे तो धर्म की आवश्यकता अधिक है। कहते हैं अगर आप संसार को समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो धर्म आपको सारी बातों का अनुसरण जो है बेखूबी करा सकता है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो तो, जब आप में अंधविश्वास की बातें नहीं है, तो आप साइंस को भी अनुसरण कीजिए और धर्म को भी। आपको समझ में स्वयं ही आ जाएगा कि जो धर्म में सत्य है वही विज्ञान भी सत्य है। इसके अलावा वैज्ञानिक खोज के लिए धार्मिक भावना बहुत अधिक जोरदार सिद्ध होती है। इसलिए अगर विज्ञान में खोज होना है तो धार्मिक भावना जो है बहुत जरूरी है। समय की कठिनाइयों को सहन करने की शक्ति धर्म से ही प्राप्त होती है। आपको पता है समय की जो कठिनाइयाँ आती है वो हमें सारी शक्तियाँ धर्म ही देती है और धर्म ही हमें समझाती है कि जो होना है वो होना ही है, जो आगे है उसके हम सुध लें। हमारे युग में गंभीरता को कम करने वाले वैज्ञानिक अधिक धार्मिक लोग ही हैं, ये बात सत्य है। आपने नासा में भी देखा होगा जब है चंद्रयान 3 की जो उड़ान भरी गई थी तो सारे जितने भी साइंटिस्ट थे
बहुत से जितने भी महिलाएं थी वो साड़ी ड्रेस में आए थे, सब ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखे थे और सब धार्मिक थे, और इवन कि सारे जो है इंडिया में धार्मिक अनुसंधान किए जा रहे थे, सारे जगह जो है यज्ञ किए जा रहे थे, क्योंकि साइंस मानने वाले ही धर्म को भी सही जान परख सकते हैं। जो साइंस को नहीं मानते वो धर्म के बारे में भी नहीं जानते। आपने देखा ही होगा कि जब विज्ञान को पता है कि ये अंतरिक्ष में हमारी सफलता जो है इसके रूल रेगुलेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन उन्होंने यज्ञ किया, चारों तरफ देखिए पूजा हवन हुई। कारण क्या था कि हम साइंस को मानते हैं तो धर्म को भी हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती है जो साइंस के लिए भी बहुत कठिन हो जाती है। इसलिए कहते हैं अगर कठिनाइयों को अगर सहन शक्ति देती है तो वह धर्म ही देती है। और हमारे युग में देखा जाए सारे साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सारे के सारे धार्मिक हैं। इसलिए जो व्यक्ति गलत बातों का अनुसरण आपको कराते हैं, समझ जाइए कि वो धार्मिक भी नहीं है और न ही वैज्ञानिक है। उनका मकसद सिर्फ अपना सिक्का जमाना है और देश को जो है बर्बाद करना है। तो समझदार आप स्वयं ही हैं। निसंदेह यह सच है कि कभी कभी धर्म अप्राकृतिक तथा अंधविश्वास को बहुत अधिक संबंधित हो जाता है, लेकिन वो मनुष्य के कारण होता है। धर्म कभी भी ऐसा नहीं होता, वो मनुष्य के अंधविश्वास और जो है अपनी विचारधाराओं के कारण होता है। लेकिन हाल की धार्मिक प्रवृत्ति संबंधी खोजों से प्रकट होता है कि अब इसका झुकाव सामाजिक मूल्य की तरफ आकर दूसरे अंधविश्वास की तरफ जोड़ दिया जाता है, तथा धर्म एक बार अंधविश्वास तथा अलौकिकवाद के ऊपर उठ जाए तो निश्चय सुरक्षित रखने योग्य रचनात्मक समाज शक्ति बन जाएगी। तो जर्नल सी बात है, अगर धर्म के अंतर्गत आप चले गए तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपका जो है गलत प्रयोग कर लेंगे और बाद में जो है आपको अपनी शक्ति बना लेंगे और आपसे वो सारे कार्य करवाएंगे जो न तो धर्म के अंतर्गत सही है न विज्ञान के अंतर्गत सही है। इसलिए ऐसे लोगों से आप सदैव ही दूरी बनाइए। जब भी कोई धर्म के अंतर्गत संप्रदाय दंगा फसाद की बात करता है तो आप उससे दूरी बना लीजिए। समझ जाइए कि इसमें जो है उसका स्वार्थ सिद्ध छुपा हुआ है और इसमें धर्म कहीं नहीं है न ही विज्ञान है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था और काफ़ी ज़रूरी था आप लोगों के लिए। ठीक है, इसलिए अच्छे से सोचिए, समझिए, विचार कीजिए और एनालाइज कीजिए और एमए के एग्ज़ाम को अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि ये सब आपके रिसर्च पर आधारित है, सोच पर आधारित है, विचार पर आधारित है। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, विचार आपको अच्छे हैं, ठीक है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके शेयर करने की भावना आप में होनी चाहिए। ठीक है, और पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो जनरल सी बात, अगर आपको वीडियो और भी चाहिए और उसका नोटिफिकेशन भी प्राप्त करना चाहते हो तो जनरल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल में सेव कीजिए, तभी जो है समय समय पर आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा।